Hello guys, welcome back to my channel Jikmik Garden. मैं हूँ तिश्ता, सभी को मेरे प्यार भरे नमस्ते। मेरे चैनल पर आप लोगों को स्वागत करता हूँ। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मेरी गार्डन की लॉलीपॉप प्लांट। उसकी नेम लॉलीपॉप कहती है, जैसे उसको देखने के लिए लॉलीपॉप जैसी, इसीलिए उसका नेम लॉलीपॉप। आप देख रही है मैं काउडंग यूज़ कर रही हूँ, थोड़ी सी हाक्सॉक पेडी दिया है इसमें, और वास्टेड वेजिटेबल मैं देती हूँ, और एक खाद देती हूँ मैं चाय पत्ती, मैं उसमें देती हूँ, बहुत ही अच्छी होती है उसके लिए, बहुत ही खूबसूरत हो जाती है चाय पत्ती देने के बाद। और इस फ्लावर बहुत ही स्वीट है, इसमें उसका रस बहुत ही स्वीट है, इसीलिए बहुत सारा ज़्यादा सीटियाँ आती है उसको रस लेने के लिए, इसीलिए उसको सीटियाँ को मारने के लिए कभी कभी केमिकल स्प्रे करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा आती है सीटियाँ उसको रस लेने के लिए। बहुत ही स्वीट है उसका, जो व्हाइट कलर में आप लोगों को दिखा रही हूँ मैं, उसमें उसका रस बहुत ही स्वीट है। आपको ज़्यादा केयर लेने के लिए ज़रूरत नहीं है, आपको कभी कभी आप फर्टिलाइजर देते रहिएगा, काउडंग, वास्टेड वेजिटेबल, चाय पत्ती, और आप लिक्विड फर्टिलाइजर भी यूज़ कर सकती है। मेरे पास दो कलर है आप लोगों को दिखा रही हूँ, बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। एक बार ग्रो करने के बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं है उसको बचा के रखने के लिए, बचा के रखना मुश्किल नहीं है उसको। आप धूप साया प्लेस पे रखिएगा उसको, ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा धूप की प्लेस पे रखने से उसका लीव्स ख़राब हो जाती है, इसीलिए आप दिन में दो एक घंटा जिस प्लेस में धूप आती है उस प्लेस में उसको रखिएगा, और धूप का रोशनी मिलना चाहिए उसको, आप अंदर भी नहीं रखना चाहिए उसको, आप बेलकनी में रख सकती है। मैं घर की बनाई हुई कंपोस्ट और काउडंग देती हूँ, चाय की पत्ती और वास्टेड वेजिटेबल आप दे सकती है, कभी कभी दे सकती है, आप लिक्विड फर्टिलाइजर भी यूज़ कर सकती है। अभी मैं एक कार्टिंग डाल आप लोगों को ग्रो करके दिखाऊंगी, बहुत ही इजी टू ग्रो, आप कार्टिंग डाल से उसको ग्रो करना चाहिए। नीचे मैं एक कार्टिंग डाल ले रही हूँ, कोई भी आप लोगों को बता रही हूँ मैं, कोई भी रूटिंग हार्मोन यूज़ नहीं करूँगी अभी आप लोगों को दिखाने के लिए। मैं गार्डन में रूटिंग हार्मोन यूज़ करता हूँ, लेकिन आप लोगों को दिखाने के लिए मैं आज रूटिंग हार्मोन यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है, बहुत ही इजी से रूटिंग होती है इस प्लांट। एक हफ्ता बाद रूटिंग आ जाएगी, और मैं फिर आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊँगी उसको कितनी दिन बाद रूटिंग होगी उसको दिखाऊँगी। मेरी वीडियो को अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट मैं आप लोगों को न्यू टिप्स देने के लिए ज़रूर कोशिश करूँगी। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा प्लीज़। आज के लिए नमस्कार, फिर मिलूँगी, बाय बाय।